क्या आप जानते हैं कि 40 साल से ऊपर के करीब 80% लोग पाइल्स की परेशानी का सामना करते हैं और उसमें से बहुतों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें पाइल्स है, क्योंकि उनको किसी तरीके का दर्द का अनुभूति नहीं होता। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी पेन। तो इससे कैसे बचें और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाई, आई एम डॉक्टर राजेश सिंह, योर वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट, एंड यू आर वॉचिंग गो यंग हेल्थ विजडम्स। अब आइए समझते हैं कि ये पाइल्स का फॉर्मेशन होता कैसे। स्लो प्रोसेस है जो धीरे 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 पाइल्स बन रहा होता है। हमारा जो एनस है उसका जो इर्द गिर्द में जितने भी माइक्रोवेन्स हैं उन पे जब टू मच प्रेशर पड़ता है तो उनका जो एनल कैनाल है उनकी लाइनिंग्स में एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, स्मॉल वेन्स का, वो सारे के सारे प्रेशर में आते हैं, इन्फ्लेमेट रहते हैं। और ये जो वेन्स के लाइन इन्फ्लेमेट होके वाइड हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं। और ये इन्फ्लेमेशन एक तो कारण है, दूसरा कारण लॉन्ग सिटिंग आवर्स है, बहुत देर तक हम बैठे रहते हैं, आज के समय में हम बैठे ही रहते हैं। दूसरा चीज है फ्रिक्वेंट कॉन्स्टिपेशन, बार बार यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर आपकी फूड हैबिट यदि रॉन्ग है तो ये सारा उसका कारण बनता है। और ये जो इनलार्ज वेन्स हैं और उसके ऊपर ओवरलेइंग टिश्यूज जो हैं वो जो है स्वेलिंग बनाना शुरू करती हैं और उसी को पाइल्स कहते हैं। और ये धीरे धीरे बवासीर का रूप डेवलप करता है और उसके बाद वो और भी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़ता है। और जनरली पाइल्स या बवासीर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं करता और इसीलिए वो हमेशा इग्नोर्ड रहता है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उसका फिजिकल सिम्टम आपके सामने नहीं रहता है। और जब फिजिकल सिम्टम अपीयर होता है लाइक ब्लीडिंग, पेन, ऐसा कुछ चीज शुरू होता है तब आपके नोटिस में आता है और तब जाके कंसर्न शुरू होता है। लेकिन टिल द टाइम फिजिकल सिम्टम हैज नॉट अपीयर्ड पीपल उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और जब फिजिकल सिम्टम अपीयर भी हो जाता है, जब पता चल जाता है कि ये पाइल जैसी कोई चीज है तो उस पर कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट या इमीडिएट एक्शन ज्यादातर लोग नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि पीपल हेजिटेट करते हैं इसके बारे में बात करने के लिए, थोड़ा शर्म महसूस करते हैं इसके बारे में चर्चा करने के लिए। और इन द प्रोसेस क्या होता है, वो और ज़्यादा एग्रीवेट होता रहता है क्योंकि बैठे रहते हैं, बताते नहीं हैं, बता नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं और उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। और पाइल्स जो होता है वो मेनली कुछ कारणों से होता है। पहला कारण तो मैं कहूँगा पुअर ईटिंग हैबिट, दूसरा इनएक्टिविटी, ज़्यादा बैठे रहना, और तीसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। सो आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो 7 सुपर इफेक्टिव टिप्स, या उसको आप स्ट्रैटेजी कह लीजिए, 7 ऐसे स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको पाइल से बचा सकते हैं। पहला स्ट्रैटेजी, डू नॉट सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। कभी भी 45 मिनट से ज्यादा एक जगह पे ना बैठें। हो सकता है आपके ऑफिस में 8 घंटे का काम है, 10 घंटे का काम है, आप दिन भर बैठ के ही काम करते हैं, 45 मिनट के बाद कोई आपका फिटनेस बैंड होगा वो आपको कहेगा 45 मिनट के बाद उठ जाइए। आप टाइम सेट कर सकते हैं, 45 मिनट के बाद आप उठ जाइए, 1-2 मिनट आप उठ के इधर उधर डुल लें और फिर स्ट्रेच कर लें और फिर बैठें। तो ये जो इन्फ्लेमेशन बन रहा था उसको आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि जब आपका फोन बजे, आपको फोन पे बात करनी हो, तो खड़े हो जाएं अपने रूम में, अपने केबिन में, अपने वर्क डेस्क इलाके में, थोड़ा सा टहल लें, फोन पे बात कर लें और फिर बैठ जाएं। यदि आपका फोन वाला काम नहीं है, आप बैठ के ही काम करने वाले कोई व्यक्ति हैं, तो भी आप बीच में एक बार उठ जाएं और वैसा कर लें। यदि आप ड्राइविंग करते हैं और लगातार ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप गाड़ी को रोक सकते हैं, हाथ पैर सीधा कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर आप गाड़ी चलाना शुरू कर सकते हैं। अब दूसरे टिप की बात करते हैं। दूसरा जो टिप और स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं वो है कीप योर वेट अंडर कंट्रोल। आपका जो वजन है उसको आप कंट्रोल में रखें, आप चेक करें कि आप ओवरवेट तो नहीं है या आप ओबेस तो नहीं है, क्योंकि आपका जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा एनस के उन माइक्रो नर्व्स पे प्रेशर पड़ेगा, लोड पड़ेगा। आप कम देर बैठेंगे तो भी ज्यादा लोड पड़ेगा और इसीलिए आपको अपने वजन का ख्याल रखना है। ध्यान रखें कि आपका BMI 25 के नीचे हो। और तीसरा जो आपको मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी है एड मोर फाइबर टू योर डाइट। अपने खाने में, अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा फाइबर ऐड करें, रेशेदार चीजें ऐड करें। सोल्यूबल फाइबर जो होता है वो स्टूल को सॉफ्टन करता है, स्टूल को मुलायम करता है। तो आपका स्टूल जितना सॉफ्टन होगा उतना कॉन्स्टिपेशन कम होगा, उतना
रगड़ कम होगा और आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो स्टूल को पुश करने में मदद करता है। वहां पे पुश करने के लिए कोई सिस्टम नहीं लगी हुई है, स्टूल अपने आप पुश हो के आगे बढ़ता है। यदि ठीक से पुश नहीं हुआ तो कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो जो आपका सॉल्युबल फाइबर है वो स्टूल को सॉफ्टन करता है, जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके स्टूल को पुश करने में मदद करता है। और इस तरीके से आप यदि फाइबर का सेवन ज्यादा करें, अपने आहार में फाइबर को ज्यादा ऐड करें, तो ये एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये था तीसरा स्ट्रैटेजी। और अब बात करते हैं चौथे स्ट्रैटेजी की। चौथा स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा ईट हेल्दी, स्वस्थ खाएं। ईट राइट मूवमेंट आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, आप उसमें बहुत सारा कुछ सुनते हैं, उसको आप अडॉप्ट करें। ईट हेल्दी की बात करें, ईट हेल्दी का मतलब हुआ जो भी कुछ आपके प्लेट में आए उसको देखिए कि वेदर दिस शुड बी टेकन इन और नॉट। लीफी वेजिटेबल, होल ग्रेन, सबूत अनाज जिसको कहते हैं, फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, अंकुरा हुआ कोई चीज, आप जो है मैदे को अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, रिफाइंड फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें, तो ये हुआ ईट हेल्दी। अब मैं पांचवें स्ट्रैटेजी की बात करता हूं। जो पांचवा स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट करूंगा वो है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। खूब सारा पानी पिएं, सफिशिएंट पानी पिएं। बेहतर होगा कि आप हमेशा पानी का एक बॉटल, पानी का एक ग्लास आपके सामने रखें, अपने टेबल में, अपने कार में, अपने ट्रैवल में, अपने बैकपैक में, और थोड़ा थोड़ा पानी सिप करते रहें। हमेशा अपने आप को हाइड्रेट रखें। जितना आप हाइड्रेट रखेंगे उतना बढ़िया होगा, क्योंकि ड्रिंकिंग एनफ वाटर कैन कीप योर स्टूल फ्रॉम हार्डनिंग, उसको सख्त नहीं होने देगा, स्टूल आपका मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, तो ज्यादा बढ़िया से स्टूल का जो निर्गमन है वो हो पाएगा। अब छठे स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। जो छठा स्ट्रैटेजी मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कीप कॉन्स्टिपेशन अंडर चेक। अंडर चेक आप डिसाइड करें कि अंडर चेक का मतलब क्या हुआ। कहीं आप वीक में एक बार कॉन्स्टिपेशन आपको होता है, कब्ज यदि आपको हफ्ते में एक बार हो जाती है, महीने में दो तीन बार कब्ज हो जाती है, तो खतरे की घंटी बज रही है, आपको इसको तुरंत चेक करना पड़ेगा। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस पाइल्स फॉर्मेशन। स्टूल हार्डनिंग होगा तो जाके फ्रिक्शन होगा, रगड़ करेगा, और रगड़ करेगा तो उस माइक्रो नर्व्स को जो बहुत कोमल तंतु हैं उनको रप्चर कर देगा, उनको घिस देगा, और फिर वो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो इसीलिए आपके हित में है कि आप अपने कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरीके से चेक में रखें। और अब मैं आपको बताता हूं सातवां स्ट्रैटेजी, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल और जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, इसलिए मैंने इसको सबसे अंत में रखा। सातवां नंबर का टिप या स्ट्रैटेजी ये है कि आप जोर मत लगाइए। जी हां, जोर मत लगाइए। डू नॉट पुश टू हार्ड ड्यूरिंग योर पूपिंग। जब आप शौच के लिए जाएं तो जोर ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि नंबर वन रीजन फॉर पाइल्स या बवासीर इज स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बॉवल मूवमेंट। जब आप शौच में रहते हैं और जब आप जोर लगाते हैं तो वही नंबर वन रीजन है आपके पाइल्स के फॉर्मेशन का। चाहे वो आपको डिसेंट्री हुआ हो, चाहे वो आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, कब्ज हुआ हो, जोर यदि आप लगाते हैं तो पाइल्स का फॉर्मेशन होने की पूरी संभावना बनती है। और जोर नहीं लगाने के लिए, और वॉशरूम का आपका जो टाइम है, जितने देर आप टॉयलेट में होते हैं उसको कम कर देने के लिए, मैं आपको एक बेहतरीन सप्लीमेंट सजेस्ट करता हूं, और वो है गोयंग का पाइल्स केयर, जिसमें है 21 कॉन्स्टिपेशन फाइटर्स जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे आपको। उसमें है स्टूल सॉफ्टनर्स, उसमें 30 एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके एनस एरिया में, उस नर्व्स में इंफ्लेमेशन नहीं होने देंगे, और वो भी सारे के सारे नेचुरल और बिना किसी साइड इफेक्ट वाले। तो आपको भी यदि फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन होता है, फ्रीक्वेंट का मतलब हुआ कि सप्ताह में एक बार हो जाता है कम से कम, तो या फिर आपका वजन ज्यादा है तो ओवरवेट है, ओबेस है, तो या फिर आपका खान पान गड़बड़ है, आपके फाइबर की मात्रा कम है, आप जंक ज्यादा खाते हैं, आप रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, लो फाइबर फूड लेते हैं, मैदा लेते हैं, यदि ऐसा है तो आपके पाइल्स होने की संभावना पूरी पूरी बनती है। और यदि मैंने जो ये सात टिप्स बताए उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आप उससे बिल्कुल बच सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप जरूर शेयर करें। एंड यू वेर वॉचिंग गोयंग हेल्थ विजडम, और मैं हूं आपका वेलनेस स्ट्रैटेजिस्ट डॉक्टर राजेश सिंह। नेक्स्ट वीडियो में एक नए विजडम के साथ, एक नए हेल्थ विजडम के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक स्टे हेल्दी।